श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, हे वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, कुंजनि कुंज पुंज सुख बरसत, सुख बरसत, जनि कुंज पुंज सुख बरसत, हर खत सबके गात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, राधा मोहन के निज मंदिर, 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 महाप्रलय नहीं जा, महाप्रलय नहीं जा, हे महाप्रलय नहीं जा, महाप्रलय नहीं जा, ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित, ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित, ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित, ब्रह्म ते उपजो कबहू नहीं न सात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, फन पर रवितर नहीं विराट महे, फन पर रवितर नहीं विराट महे, फन पर रवितर ही विराट रे,
नहीं संध्या नहीं प्राण, नहीं संध्या नहीं प्राण, नहीं संध्या नहीं प्राण, नहीं संध्या नहीं प्राण। माया काल रहित नित नूतन, माया माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, 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 विरहत सदा सुहा, विरहत सदा सुहा, विरहत सदा सुहा, विरहत सदा सुहा, व्यास विलास रास यद्भुत गति, व्यास विलास याद यद्भुत गति, व्यास विलास रास यद्भुत गति, व्यास विलास रास यद्भुत गति, निगमय गोचर बात वृंदा वन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदा वन श्री वृंदावन, श्री वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, श्री वृंदावन श्री वृंदावन, जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोकुल महावन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदा वनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सो आनंद आ रहा है, सो परम सौभाग्य है हम सब ब्रज भूमि श्री वृंदावन श्री ब्रज 84 कोश इस पवित्र भूमि पर विचरण कर रहे हैं और यहाँ का दर्शन कीर्तन प्रवचन और प्रसाद का लाभ ले रहे हैं। इस ब्रज 84 कोस में एक इंच भी ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण न पड़े हो।
सो भगवान श्री कृष्ण के विहार भूमि में, कृष्ण की जन्मभूमि और कृष्ण की विहार भूमि में हम सब लोग विचरण कर रहे हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसे श्रवण करना भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, वंदन पूजन स्मरण ये सब नवदा भक्ति है, उन भक्ति में एक भक्ति है अनुव्रजम। बोलिए, अनुव्रजम। आपको कोई कह सकता है ना कि ये परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, ये तीर्थ तीर्थाटन यात्रा क्यों कर रहे हैं, ये भक्ति कहाँ लिखी है? श्रवण करना ये तो हम जानते हैं नवदा भक्ति, कीर्तन वंदन। सो भक्ति के 64 अंग हैं, उन भक्ति के 64 अंग में एक अंग है अनुव्रजम। व्रजम माने चलना, अनु माने पीछे पीछे। भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ चले हैं उनके पीछे पीछे चलना, इसे अनुव्रजम कहते हैं। इस व्रज में भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्येक स्थान पर चले हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। बस दुख की बात इतनी है कि इस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव चले थे और हम लोग जूता पहनकर चलते हैं। सो जूता पहनना तो बहुत दूर की बात है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जूते पहनकर चलते हो तो वहाँ हम लोग बिना जूते के चल सकते हैं। ठीक है, वो जूता पहनकर चले हैं तो हम उनके पीछे पीछे बिना जूते को चले, लेकिन जहाँ कृष्ण बिना जूता पहने चले हैं वहाँ हमको कैसे चलना चाहिए? रामायण में एक प्रसंग है जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए और उनको पता चला कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। तब भरत जी ने सोचा, निर्णय ले लिया कि अब मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, मेरे बड़े भाई राम वन में गए हैं तो मैं चित्रकूट जाऊंगा और राम जी को अयोध्या वापस लेकर आऊंगा। भरत जी के साथ उनकी तीनों माताएं, उनके मंत्री, उनकी प्रजा, पूरी अयोध्या भरत जी के साथ चलने लगी। कुछ लोग रथ पर बैठे थे, कुछ घोड़े पर बैठे थे, कुछ हाथी के ऊपर बैठे थे, लेकिन भरत जी नंगे पांव चलकर जा रहे थे। वे तो राजा के बेटे थे, बिना जूते चलने का कोई अभ्यास नहीं था, बड़े कोमल चरण थे और अयोध्या से चित्रकूट नंगे पांव जा रहे थे तो भरत जी के पांव में छाले पड़ गए, कांटे लग गए, उनके चरण से खून निकलने लगा। तब भरत जी के मंत्री, उनकी प्रजा, उनकी माता कहने लगी कि आप रथ में बैठ जाइए। तो भरत जी रोते हुए कहते हैं, अब ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये मैंने मेरे गुरुजी के मुख से सुना है। गुरुजी यहाँ बैठते थे, मैं यहाँ पहला स्टूडेंट मैं होता था सबसे आगे, और इस प्रसंग को वे रोते हुए सुनाते थे। भरत जी रोते हुए कहते हैं कि आप लोग मुझे रथ पर बैठने को कह रहे हो। भरत जी की माताओं ने कहा कि बेटा रथ पर मत बैठो, जूते तो पहन लो। तो भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं, जिस कदम पर, जिस मार्ग पर मेरे बड़े भाई, मेरा ईश्वर, मेरा बाप, मेरा भगवान जिस मार्ग में नंगे पांव चला है, उस मार्ग में मुझे मेरा हृदय रख कर चलना चाहिए। जहां मेरे भगवान नंगे पांव चले हैं वहाँ मुझे मेरा माथा रख कर चलना चाहिए।
हाय रे मेरा दुर्भाग्य कि मैं अपना पांव रखकर चल रहा हूं, मुझे ये नंगे पांव चलने में भी अफसोस हो रहा है कि जहां मुझे मेरा मस्तक रखना चाहिए वहां मैं मेरा पांव रख रहा हूं, और आप लोग कह रहे हो कि मैं रथ पर बैठ जाऊं, मैं जूते पर पहनकर चलूं। नहीं, सबसे कठिन सेवक का जो धर्म है सबसे अधिक कठिन होता है। सो मुझे मेरे धर्म का पालन करने दीजिए। सो कुल मिलाकर राम जी जिस मार्ग में नंगे पांव चले वहाँ भरत जी अपना मस्तक रख कर चलना चाहते हैं और वह नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अफसोस हो रहा है। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव चले हैं, जूते नहीं पहने हैं। और हम लोग जूते पहन लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये विचार, ये अफसोस, ये ग्लानि मन में होनी चाहिए कि भाई हम शहर में रहने वाले लोग नंगे पांव नहीं चल सकते। लेकिन एक अफसोस तो होना चाहिए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने कर लिया, है ना। ये पश्चाताप की अग्नि में हमारे छोटे मोटे पाप जल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पाप करने पर भी निष्ठुर बन जाते हैं, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर के समान हो जाते हैं। सो जीव का स्वभाव है गलती करना, लेकिन उसका एहसास होना ये मानवता है, नहीं तो जड़ पत्थर में और हम में कोई अंतर नहीं है। सो हम यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, थोड़ी फैसिलिटी में विचरण कर रहे हैं, लेकिन कुछ मन में ग्लानि अफसोस रखते हुए विचरण करें। सो कल कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन हुआ, कैसा रहा? बढ़िया। पिछली बार मैंने इसी स्थान पर कहा था कि मोदी जी आए तो अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है, और 5-10 साल उनको दे देंगे हम लोग, तो जो कृष्ण जन्मभूमि और फिर और भी जो मसले हैं ना, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि बाजू में ही भाईजान लोग हैं, अपना ठेका डाल ही देते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। सो कृष्ण जन्मभूमि, आप लोगों की जानकारी के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए तो सर्वप्रथम मथुरा में आए थे, और मथुरा के बाद फिर वृंदावन में अक्रूर घाट पर आए। आज बड़ा पवित्र दिन है, पवित्र इसलिए कि हम सब लोग बरसाने में आए हैं। बरसाना, बरसाना का अर्थ होता है बरसना, ठीक है। बरसाना में कौन रहता है? राधा रानी। सो बरसाने में श्रीमती राधा रानी रहती हैं, और राधा रानी जहाँ रहती हैं उसे बरसाना कहते हैं, क्योंकि राधा रानी जो है ना कृपा को क्या करती हैं। तो क्या कृष्ण कृपा बरसाते नहीं है? नहीं बरसाते हैं। कृपा तो दोनों में है, राधा रानी में भी कृपा है, कृष्ण में भी कृपा है, परंतु राधा रानी कृपा बरसाती है और कृष्ण कृपा करते हैं, लेकिन क्या ना सोच समझ के करते हैं, नाप तोल कर कृपा करते हैं। जैसे आप लोग भारत में, भारत वाले ही हैं, सब्जी लेने जाते होंगे ना, भैया जी 2 किलो टमाटर दे दो, तो भैया टमाटर वजन करता है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर टमाटर काट देता है, और नाप तोल के, चाहे टमाटर हो, आलू हो, सब्जी हो,
તો આપણો જે આ કનૈયો છે ને શાકભાજીવાળો છે, કૃષ્ણ કી કૃપા નાપ તોલ કર હોતી હૈ, નાપ તોલ કર. જૈસે સુદામાજી કિતને દુઃખી થે કે નહીં, ઓર સુદામાજી કૃષ્ણ કે ભક્ત થે, કૃષ્ણ કે ભક્ત થે, ઇતને દુઃખી થે, તો કૃષ્ણ કો કૃપા નહીં કરની ચાહીએ? બિચારા સૂખા પતલા આદમી જૈસે તૈસે પોરબંદર ગયા, કૃષ્ણ કે સાથ રહા, તબ કૃપા, મતલબ વો ભી નાપ તોલ કર. ઓર કૃપા કરની હી થી તો ફિર રાવણ પર કૃપા કરતે, કંસ પર કૃપા કરતે, ઉનકો તો માર દિયા. સો કૃષ્ણ કી જો કૃપા હૈ ના, થોડી સી નાપ તોલ કર હોતી હૈ. ઓર ઇસમે મેં એસા કહે રહા હું તો કૃષ્ણ કા જો ભાવ હૈ વો કમ હો રહા હૈ. શેર બજાર કા ભાવ કમ હોતા ના, રાધા રાની કે સામને તો કૃષ્ણ કા ભાવ કમ હી હોગા. રાધા કો માઇનસ કરે તબ થોડા કૃષ્ણ કા રેટ બઢેગા, કે રાધા રાની કે સામને તો, ક્યોંકિ મેં નહીં કહે રહા હું, કૃષ્ણ હી ભગવદ્ ગીતા મેં કહેતે હૈ, યે યથા મામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ. એટલે ઇસકો શોર્ટ ફોર્મ મેં કરના હો, યે યથા તે તથા, જો જૈસા મેં વૈસા. કૃષ્ણ કા ક્યા હૈ? જો જૈસા મેં વૈસા. રાધા રાની કા એસા નહીં હૈ. કૃષ્ણ કી કૃપા કૈસી હૈ? આપકો કભી કાન મેં કોઈ પ્રોબ્લમ હોતી હૈ ઓર ડોક્ટર કે પાસ જાતે હો તો બોટલ દેતે ના, બોલે તીન ડ્રોપ ડાલના, વો ભી ગીન કે. કૃષ્ણ કી કૃપા જો હૈ ના, વો ગીન કે તીન ટપકા ડાલ દેના અંદર, એ નીલો સંતરો દે તો નાક મેં ડાલને કા દો તીન ડાલ દેના, મતલબ ગીન કે હોતી હૈ. ઓકે, યે કૃષ્ણ. લેકિન રાધા રાની કી કૃપા, ગાંવ કા નામ ક્યા હૈ? બરસાના, મને બરસના. જબ આકાશ સે મેઘ બરસતા હૈ તો કોઈ નાપ તોલ કે બરસતા હૈ? ભાઈ ઇસકે ઘર પે ચાર બૂંદ, ઇસકે ઘર પે દસ બૂંદ, ઇસકા એસા એસા થોડી હોતા, વો તો પૂરા ધોધ બરસતા હૈ. વહાં વહાં નાપ તોલ ઓર બુદ્ધિ બુદ્ધિ નહીં હોતી, તો ગિરા દેતી હૈ. અબ સમજમાં આ રહા હૈ? બરસાના માને બરસના, ડાલ દેના. હા, જો આકાશ સે બરસતા હૈ તો ઇસમે કિસીને પાપ કિયે હૈ, કિસીને પુણ્ય કિયા હૈ, સબ કે ઉપર બરસતા હૈ. શ્રીમતી રાધા રાની જબ કૃપા કરતી હૈ ના તો બરસાતી હૈ, કૃપા કા ધોધ બરસાતી હૈ. ઓર અપના નંબર ઉસી મેં લગને વાલા હૈ, કૃષ્ણ કી સિસ્ટમ મેં અપના નંબર નહીં લગેગા. યે યથા તે તથા મેં અપના નહીં ચલેગા. અપના કૈસે ચલેગા? રાધા રાની કિસી કે ઉપર કૃપા બરસાઈ ઓર હમ વહાં ખડે તો હમ પર ભી આ ગઈ. સો ઇસ પ્રકાર સે રાધા રાની કિસી. હું અભી ગાડી મેં આ રહા થા તો મેરે સાથ દો તીન લોગ થે, પ્રભુ કલ કા પ્રવચન એસે ઢીલે ઢીલે ક્યું હો રહા થા? જેટલું ગોળ નાખો એટલું ગળું થાય. તો ફિર અમારે ગૌરાંગ પ્રભુ મુજે સિખા રહે થે, પ્રભુ હા યહાં જબ આપ કરતે હો ના તો એસે હી કરના ચાહીએ, ફિર કથા મેં જોરા જાતે હો તો થોડા હાઈ લેવલ હોના ચાહીએ, ફિર વો મુજે ટ્રેનિંગ દે રહે થે. મેરે ભી બહોત બાપ હૈ, મુજે ભી બહોત જ્ઞાન દેને વાલે લોગ હૈ. ખેર, સો રાધા રાની કૃપા બરસાતી હૈ, ઇસલિયે હમે રાધા રાની કી કૃપા કા આશ્રય લેના હૈ, રાઈટ? વૈસે હમ લોગ ઇસ્કોન મેં હૈ, આપ સબ લગભગ 99% ઇસ્કોન સે હૈ, તો હમ લોગ સાધના કરતે હૈ, સાધન કરતે હૈ. એક પોઈન્ટ યાદ રખિયેગા, હમ લોગ ભલે સાધના કરતે હૈ, કરની હી ચાહીએ, કરતે હી રહેના. મેં આપકો સાધના ઢીલી કરને કે લિયે નહીં કહે રહા હું, લેકિન એક પોઈન્ટ એડ કર દીજિયેગા કે હમ લોગ સાધના કરતે હૈ ક્યું? હમ લોગ સાધના ભી ઇસલિયે કરતે હૈ તાકિ હમ પર કૃપા હો. અલ્ટિમેટલી હમકો કૃપા ચાહીએ,
साधन से काम नहीं होगा, मतलब हम डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि हमने इतना साधन किया है बस हमको इतना चाहिए, क्योंकि हमारे साधन में कोई दम नहीं है। वैसे हम भक्तों के साथ माला करने बैठते हो तब तो ऐसा लगता है कि हरिदास ठाकुर के बाद यही प्रभु जी होंगे लेकिन जब आप अकेले अकेले घर पर माला करते हो तो पता चलता है कि आपकी साधना कैसी है, कितनी बार माला करते हुए भोजन करते हो, कितनी बार सो लेते हो, कितनी बार मोबाइल में बात करते हो। हमारी साधना में कोई दम नहीं है, फिर भी हमें साधना करनी है भक्तों। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए, हमारी साधना का उद्देश्य है कृपा। हम साधना इसलिए कर रहे हैं कि हमको साधना करते देखकर राधा रानी के हृदय में दया आ जाए और उस दया से हम पर कृपा हो जाए। अल्टीमेटली तो कृपा ही चाहिए, साधन सिद्ध हम हो ही नहीं सकते। हम माने मैं नहीं हो सकता, और आप सब मेरी कतार में मेरी लाइन में खड़े हो तो साधना से अपना काम नहीं बनेगा, अपना काम कृपा में ही बनेगा। कृपा समझते ना, कृपा से बनेगा। सो जीवन में ऐसा कार्य करें, विनम्र रहें, सेवा भाव रखें, अभिमान अहंकार कम रखें, और साधना इस उद्देश्य से करें कि हम पर कृपा हो, तब श्रीमती राधा रानी हम पर कृपा करेगी। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूँ कि मान लो आपको आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, भगवान करे ना हो, लेकिन आपका पड़ोसी आपसे रूठ गया, फिर आप उसको मनाने के लिए रोज उनके दरवाजे पर जाकर उसे पुकारो, एक दिन पुकारो, दो दिन पुकारो, तीन दिन पुकारो, वो आपका पड़ोसी अकड़ू है, वो ध्यान नहीं देगा। लेकिन आप 5-10 दिन इस प्रकार से करोगे ना तो उसकी पत्नी उसको मनाएगी, आप तो थोड़ी सी दया कर दो बेचारे के ऊपर, और कहेगी उसे दर्शन दे दो। ठीक उसी प्रकार हम यदि साधना करेंगे, मेहनत करेंगे, हो सकता है भगवान को हम पर दया न आए लेकिन राधा रानी के हृदय में दया आएगी और कृष्ण को कहेंगे कि अब इस पर कृपा कर दीजिए, अब इस पर करुणा कर दीजिए। सुश्रीमती राधा रानी करुणामयी सरकार है, करुणा करती हैं, कृपा करती हैं। राधा रानी कहाँ है? केवल बरसाने में है, महाराष्ट्र में है, खड़गपुर में आपके है, कलकत्ता में है, बंगाल में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, कहाँ है? जिसके दिल में कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना है उन सभी जगहों पर राधा रानी बैठी है। दूसरे शब्दों में हमारे आपके मन में जब जब जहाँ जहाँ कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना, कृष्ण की सेवा करने की भावना आती है वो और कहीं नहीं, वो राधा रानी है। और जितनी परसेंटेज, जितनी मात्रा में कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना होती है उतनी मात्रा में राधा रानी हमारे अंदर है। 100% तो नहीं आती है, सो 100% नहीं है, 2%, 5%, जितनी भी हमको भावना है कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करने, उतना राधा तत्व हमारे अंदर आ चुका है। सो राधा रानी कृष्ण की हलादिनी शक्ति है, और जो कृष्ण को नित्य निरंतर आनंद देने का काम करती हैं, कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, ऐसी श्रीमती राधा रानी के पवित्र लीला भूमि श्री बरसाना में हम सब लोग आए हैं। यहाँ पर एक भजन गाते हैं, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी,
हे बरसाने वाली, मैं तो मेरे प्रत्येक प्रवचन के प्रारंभ में अब तो पेटेंट हो चुका है, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या, तीनों लोक के नाथ सो तेरो आधीन। के राधे आपने ऐसा तो क्या कर दिया कि तीनों लोकों का नाथ तुम्हारे अधीन हो गया। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, ये बनवारी कृष्ण तेरा गुलाम बन गया है। बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े शिव इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता जिस कृष्ण के द्वार पर राह देखते हैं कि कब ये प्रभु दर्शन देंगे। बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े कृष्ण के द्वार पर खड़े रहते हैं और वह कृष्ण तीन तीन घंटे पहले आकर राधा रानी की राह देखता है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। जन्माष्टमी का समय आता है, श्रावण भादो आता है, तो पूरी दुनिया कृष्ण को झूले पर झुलाती है। झूला झूलवे को अयो संग में राधा जी को लइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना। सो हम लोग झुलाते ना, श्रावण भादो में पूरे महीने तक लाखों करोड़ों भक्त कृष्ण को झूले पर झुलाते हैं, लेकिन बरसाने में वही कृष्ण राधा को झूले पर बैठकर झुलाते हैं। तो झोटा देवत बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सो भगवान श्री कृष्ण दुनिया के भगवान है लेकिन राधा रानी के दास हैं। इसलिए हमारे ब्रज के संत ने कहा कि खड़गपुर में कृष्ण को खोजेंगे और कृष्ण न मिले, महाराष्ट्र में खोजो और कृष्ण न मिले, कुवैत में अमेरिका में कनाडा में कृष्ण को खोजो और कृष्ण न मिले, केनिया में खोजो और न मिले। तो ज़्यादा मगजमारी मत करना, सीधे वृंदावन में आ जाना। और वृंदावन में कहाँ बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाई ने। इस वृंदावन के किसी कुंज निकुंज निभृत निकुंज में राधा रानी के चरण दबाते हुए अवश्य मिल जाएगा। गर स्मरर खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव मुदारम, ये कहते हुए कृष्ण मिल जाएगा। सो कृष्ण राधा रानी पूरी दुनिया के बादशाह है लेकिन राधा रानी के दास बन जाते हैं। मन में प्रश्न हो सकता है कि ऐसा तो राधा ने क्या जादू कर दिया है कि कृष्ण संसार के ईश्वर होकर राधा के गुलाम बन जाते हैं। एक ही चीज है, राधा ने अपनी सेवा से अपने प्रेम से कृष्ण को अपने वश में कर लिया। राधा का उद्देश्य नहीं है आप लोगों की तरह कि मैं मेरे पति को कंट्रोल कर लूं। हमारी गिनती उल्टी चलती है। सुनिए, आप तो प्रिया हो, पत्नियों की बात कर रहा हूँ, पत्नी और प्रिया में अंतर है। आप सब तो अपनी पतियों की प्रिया हो ना। पत्नियाँ क्या करती हैं, उसका फोकस जो है अपने पति को वश में करने का होता है। मेरा पति समय से घर पर आना चाहिए, मेरा पति ये करना चाहिए, मेरा पति ये, और वो पति कभी वश में होता नहीं है। ये पत्नियाँ करती। प्रिया क्या करती है, प्रिया जो है वो पति को वश में करने का उनका टारगेट नहीं होता। प्रिया का एक ही लक्ष्य होता है कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पति सुखी हो जाए। आज मैं उसको क्या खिला बना कर खिलाऊं, आज मैं उसकी क्या सेवा करूं, आज मैं क्या वस्त्र पहनूं, आज मैं उनके लिए क्या लेकर आऊं। उनका फोकस एकमात्र उनके प्रियतम को खुश करना होता है। और जब प्रिया ऐसा करती है
तो प्रियतम प्रिया के वश में हो जाता है। तो दो चीजें, पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती है और वो पति किसी के बाप का नहीं होता, हाँ, लेकिन प्रिया जो है कंट्रोल करना नहीं चाहती, ऐसी सेवा करती है, ऐसी सेवा करती है कि वो कंट्रोल हो जाता है। अब आपको क्या करना घर जाकर सोच लीजिएगा, हाँ? घर जाते जाते जा बेचारे दुख तो देखो कितने दुखी है ये लोग। इसीलिए रिकॉर्ड हो रहा है, रोज ये डोज देते रहिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का दावा करते हैं, प्रेम में जो है ना शर्त नहीं होती है, पहली बात प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, जिस हालत में हूँ, उसे कोई स्वीकार कर ले, यह है सच्चा प्रेम। यहाँ क्या होता है, तुम ये करोगे, इतने बजे घर पर आओगे तो ही मेरा प्रेम है, प्रेम में शर्त नहीं होती है। तो आजकल जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम कहा जाता है ना कि मैं प्रेम करती हूँ करता हूँ, वहाँ हम लोग शर्त रखते हैं, तुमको ये लाना है, तुमको ये करना है, वो प्रेम नहीं है, वो तो एक दूसरे को कंट्रोल करने की भावना है, वो तो अपना गुलाम बनाने की भावना है, हैं? सो प्रेम में स्वतंत्रता होती है, प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है। सो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहती, राधा का ये उद्देश्य नहीं है, राधा का एक ही उद्देश्य, मैं क्या करूं जिससे कृष्ण खुश हो, मैं क्या करूं जिससे खुश हो, और राधा वो करती है। कभी कभी कृष्ण को खुश करने के लिए राधा को प्रॉब्लम भी होती है, है ना, प्रेम तो यही है ना, लेकिन अपना दुख अपनी प्रॉब्लम के ऊपर विचार नहीं करती, मेरा प्राण प्रिय कैसे खुश हो, उसी के लिए रात दिन सोचना और मेहनत करना। और जब इस प्रकार से वो सेवा करती हैं तो कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं, फिर कृष्ण उनके बन जाते हैं। सो ये हैं श्रीमती राधा रानी, रात दिन कृष्ण को खुश करती हैं। हम लोग बरसाने में आए, सीधे लाडली मंदिर में गए, राइट। एक्चुअली ये राधा रानी का घर हुआ करता था, और अभी हम लोग जहाँ जाएंगे नंद भवन जो है कृष्ण का घर। सो कृष्ण ने, नंद बाबा ने बहुत सुंदर घर बनाया और घर बनाकर सबको इनवाइट किया, आइए। हम लोग बनाते ना घर, नहीं बनाते हैं, फिर सबको इनवाइट करते हैं, बाथरूम तक दिखाते हैं, ये बाथरूम, ये बाथरूम का नल, सब सब, मतलब घर एक्चुअली दिखाने के लिए ही होता है। सो यहाँ घर बनाया, सबको बुलाया, सब कुछ दिखाया, सब लोग खुश हुए, खुश ही होंगे ना, थोड़ी गाली देंगे, तो मुफ्त का खाना खाने आए हैं, बहुत सारू बहुत सारू बहुत सारू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब कर रहे थे, हैं? राधा रानी खुश नहीं थी, राधा बड़ी नाराज थी, सीधे अपने घर पर बरसाना चली गई और कहा अपने बाबा को, मुझे ना बहुत बड़ा घर चाहिए बस। बोले क्यों, यहाँ तो नंद बाबा ने बनाया है, तुम्हारा ही तो है। नहीं नहीं, मुझे मेरा अपना बड़ा घर चाहिए। राधा रानी से प्रेम, ब्रिजवानु बाबा ने नंद भवन से ऊंचा और नंद भवन से बड़ा सुंदर महल बनाया। फिर उन्होंने ओपनिंग किया, नल दिखाना, बेडरूम दिखाना, उसने बुलाया सबको, सबको बुलाकर जब कृष्ण आए, कहा राधे तुमको ये बनाने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है। राधा रानी ने कहा, कन्हैया तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है,
लेकिन तुमने अपने घर के दरवाजे पर जो लिखा है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? बोले इतना सुंदर घर बनाया, इतना विशाल महल बनाया, लेकिन दरवाजे पर क्या रख दिया? हम लोग घर के दरवाजे पर लिखते ना, शुभ लाभ, सुस्वागतम, वेलकम। तो कृष्ण ने क्या लिखा था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा, जिसके हृदय में छल कपट नहीं होगा, वही व्यक्ति इस महल में प्रवेश कर पाएगा। राधा रानी रोते हुए कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण आपने कभी विचार किया, ये कलयुग का जीव चाहकर भी अपने मन को पवित्र कर सकता है? ये कलयुग का जीव अपनी शक्ति से, अपनी अपने बल से पूर्ण रूप से क्या अपने मन को पवित्र कर सकता है? और आपने इतनी बड़ी शर्त लगा दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। मतलब सीधा ही लिख दो ना कि कोई मत आना, आप किसी को चाहते ही नहीं हो। इतनी बड़ी, इतना अच्छा घर बनाया, इतना सुंदर महल बनाया, और इतनी बड़ी शर्त लगाकर आप यही करना चाहते हो ना कि कोई मत आओ। नहीं कृष्ण, मुझे अच्छा नहीं लगा है? तो इसलिए मैंने ये घर बनाया। तो कृष्ण ने कहा, आपके दरवाजे पर क्या लिखा है? राधा रानी ने कहा कि जीव का मन कैसा भी क्यों ना हो, मन में दोष हो, कपट हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, यदि वह बरसाने में मेरे द्वार के पास आकर महामंत्र बोलेगा, उसे सीधे मेरे घर पर प्रवेश मिल जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम। कितनी दयालु, कितनी कृपालु श्रीमती राधा रानी है कि केवल उनका नाम ले लो और प्रवेश हो जाओ। सो ये हैं कृपामयी देवी, कृपामयी सरकार। बहुत सारी लीला राधा रानी के कृपा की और करुणा की है। और फिर तो वो जो घर बना, आज वो मंदिर बन गया, वही घर अभी लाडली जी मंदिर के रूप में है। फिर आगे चलकर राजा ने उसके बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया कि राधा कृष्ण को हम वहाँ रखेंगे, लाडली जी को शिफ्ट करेंगे, लेकिन ब्रजवासियों ने करने नहीं। ब्रजवासी किसी के बाप के नहीं होते हैं, ये ब्रजवासी कृष्ण की नहीं मानते, हमारी थोड़ी मानेंगे। इस ब्रजवासियों की गाली खाने को तो कृष्ण यहाँ आते हैं, इसलिए ब्रजवासियों ने आपको गाली दी हो तो उसको बुरा मत समझना, भगवान भी इनकी गालियों को कुछ सुनते हैं। सो फिर वहीं पर राधा रानी रह गई। सो ये श्रीमती राधा रानी का दर्शन। आप आगे नहीं गए क्योंकि आगे चलने में आपके पांव दर्द करते, बहुत चलना होता है, उतरना चढ़ना उतरना। वहाँ पर तीन गढ़ हैं, विलासगढ़, दानगढ़ और मानगढ़ है। विलासगढ़ भगवान विष्णु विलासगढ़ के रूप में है, और एक है दानगढ़ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दान मांगते थे, और एक है मानगढ़। रमेश बाबा का नाम सुना होगा आपने, जिसका आवास निवास मानगढ़ में है, और मानगढ़ में के नीचे बहुत बड़ी गौशाला है रमेश बाबा की। 5,000 गाय है, 70,000 गाय है, 70,000 गाय गौ माता आज भी है बरसाने में। एक दिन में 15-20 लाख रुपए का घास खाती हैं गौ माता। सो बहुत अच्छा कार्य है। हम तो हमारी पत्नी और बच्चों को ही पालने में पड़े हैं, ये ब्रज के बड़े बड़े संत कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। खैर, सो एक है मानगढ़। श्रीमती राधा रानी रूठ जाती थी और कृष्ण उसे मनाते थे। सो मानगढ़ है, रूठने मनाने की लीला है। और विलासगढ़ के नीचे जो है
गहवर वन है, कौन सा वन है? गहवर वन। यदि बरसाना परिक्रमा करते ना तो ये गहवर वन आता। एक बार क्या हुआ, कृष्ण उनके सखा सब लोग किसी गोपी के घर पर चोरी करने गए। प्लान बहुत अच्छा था, चोरी कर रहे थे सब लोग, मटका भी उतार लिया और मटके से माखन मारने लगे, खाने लगे। जब माखन खाए, अंदर आवाज़ आ रही थी, बाहर से गोपी ने सुन लिया और गोपी ने सोचा मैं अकेली हूँ, ये इतने सारे हैं, मैं अकेली फाइट नहीं कर सकती। तो उस गोपी ने क्या किया, बाहर से दरवाज़ा को बंद कर दिया, कड़ी लगा दी। तब जो कृष्ण के सखा थे उनको पता चल गया, अन्य सखा, कृष्ण के सखा कहने लगे कि अब कृष्ण कन्हैया क्या करें। कृष्ण ने कहा एक काम करते हैं, खिड़की से भाग जाते हैं। पहले खिड़की से कृष्ण कूदे, श्रीदाम सुदाम बलराम सब लोग कूद गए, लेकिन मधुमंगल जो था वो थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज था, खिड़की से बड़ा था वो, बेचारा खिड़की से निकल ही नहीं पाया। मतलब उसका शरीर जो था खिड़की से ज़्यादा मोटा था। मैं अक्सर कहता हूँ अपना वजन बढ़ाओ, लेकिन इतना भी नहीं कि दरवाजे के अंदर ना जा पाओ, घर के दरवाजे को ध्यान में रखकर शरीर को बढ़ाओ। कभी कभी कुछ लोग रिक्शा में बैठकर, रिक्शा वाला पीछे बेचारा देखता नहीं ना, फिर देखता है तो अफसोस करता है, इसको कहाँ बिठा लिया, मेरी गाड़ी जहाँ 20 की एवरेज देती थी इसमें 10 की भी ठीक से नहीं दे पाएगी। और हम फ्लाइटों में सफ़र करने वालों के बाजू में जब आ जाते हैं तब तो खैर। तो मधुमंगल फंसा, बाकी सब भाग गए, अरे बेचारा निकल नहीं पाया। और सारी गोपियाँ आई, दरवाज़ा खोला और ये बेचारा ट्राई कर रहा था नहीं निकल पाया। गोपियों ने मधुमंगल को पकड़ लिया, पकड़ कर लाई बाहर और मधुमंगल की शिखा के साथ एक रस्सी बांधी, रस्सी को पेड़ के ऊपर डाला, डाली से दूसरी बाजू और रस्सी नीचे उतरी है? और सारी गोपी लाइन में खड़ी रह गई, पहले मैं रुको लाइन में खड़े रहो, और सारी गोपी रस्सी को टन, और मधुमंगल ऊपर ऊंचा हो जाता है, हे माँ। ऐसे ही गोपी कौन दूसरी आई, दूसरी कहती हे माँ, तीसरी मधुमंगल की जो हालत हुई है। मधुमंगल प्रभु को स्मरण करने लगा, प्रभु आपके चक्कर में हम फंसे। तब भगवान श्री कृष्ण आए, बरसाने की लीला है गहवर वन की, आए और कहा गोपियों क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले इसने माखन की चोरी की है। बोले ये साधु हैं, ब्राह्मण हैं, तुम जानती हो ब्रह्म हत्या का पाप क्या होता है। कृष्ण ने जो प्रवचन किया, गोपियों तो बेचारी पानी पानी रोने लगी है, रस्सी नीचे उतारी और मधुमंगल के चरणों में गिरी है। बोले ऐसे अपराध से मुक्त नहीं हो पाओगे, तो तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो बोले कृष्ण कन्हैया साधु के वैष्णव अपराध से कैसे मुक्त हो सकते हैं, घेवर लाकर खिलाओ तो हो सकता है, घेवर। और मधुमंगल के लिए भी लाओ, थोड़े हमारे लिए भी लाओ। गोपी आई, ब्राह्मण साधु को तो क्या है, थोड़ा खिला दो तो खुश हो जाते हैं। सो मधुमंगल को खिलाया, कृष्ण को खिलाया, सो लीला होती थी। सो इस प्रकार से बरसाने में रस बरसता है। परिक्रमा करते हैं तो एक साकरी खोर एक स्थान है, साकरी खोर आज भी वो स्थान है,
एक टाइम पे एक ही आदमी निकल सकता है। गोपियां उसी स्थान से दूध दही माखन बेचने जाती थी। आपको मेरे बोलने का फ्लो आंधा नहीं आ रहा है ना? नहीं तो हम कुछ और कीर्तन करते हैं। मैं आनंद आ रहा है, कभी कभी होता है कि ढीले ढीले मज़ा नहीं आता। ठीक है, मज़ा आ रहा है? पहले बोला होता तो मैं 15 साल इतना गला ना खींचता। हाँ, मैंने, मेरे डॉक्टर ने कहा 50 साल का गला तुमने 15 साल में यूज़ कर दिया। हाँ, समझे? मुझे क्या पता कि आप शौकीन हैं इस टाइप के। तो मैं इसी पीच में रहता। हाँ, सानी धप, मुझे गौरांग प्रभु सिखा रहे थे सानी धपा। सांकरी खोर की बात कर रहा था कि एक समय से एक ही आदमी जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ खड़े रह जाते थे, सारी गोपियाँ वहाँ से निकलती थी और गोपियों को पकड़ कर कहते, चलो माखन दो, दान दो। बोले, हम तुमको क्यों दान देगी? बोले, ब्रज के राजा हैं हम, दान देना पड़ेगा। नहीं देगी, देना पड़ेगा। जबरदस्ती कृष्ण दान लेते थे। रोज जब ऐसा होने लगा ना, तो सारी गोपियाँ एकत्रित होकर, एक दिन हजारों गोपी एक साथ आई और एक एक सखा को 10-10 गोपियों ने पकड़ लिया और ये पीटा, ये पीटा। आ लेडीसो जरे लांबा लांबा हाथ करीन मारवा मांडे ने, हम करीन पछी आ कोई नहीं, नहीं ही? तो 10-10 गोपियों ने एक एक सखाओं को जो पीटा है। सखा कहने लगे, हमारा कुछ नहीं, हमारा जो नेता है कृष्ण, ये सब उसी का है, वो जो कहता है वही हम करते हैं। सखाओं को छोड़ दिया, कृष्ण को पकड़ लिया, सारे सखा भाग गए और हजारों गोपियों के बीच में कृष्ण। चलो गोपियों बताओ इसका क्या करें, इसके कपड़े निकालो पहले। सारी गोपियों ने मिलकर कृष्ण के कपड़े निकाल दिए। अब क्या करें, इसको चनिया चोली पहनाओ, मतलब इसको गोपी ड्रेस पहनाओ। कृष्ण को गोपी ड्रेस पहना है। बोले, अब क्या करें? बोले, इसके माथे पर मटकी रखो। मटकी रखी। अब बोले, चलो गोपियों की तरह चलो। कृष्ण जो चले हैं, ऐसा थोड़ा बहुत चलना अनंत शक्ति प्रभु को आता है। यदि आपका भाग्य रहा तो आपको दिखा सकते हैं। देखा नहीं बेचारे हैं। एक तालिया हो जाए इनके लिए, जूम आउट कर दे। ले लो माता, वांदा नहीं। चलो प्रभु जी, कैसे बताओ? चलो कृष्ण, माथे मटकी रखो, अब चल के दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, एक हाथ आम आम। अभी वो खुले नहीं है, अभी खुला नहीं। आम हाथ जे आम 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 करे ना। तो सो नहीं, वो नेचुरल नहीं आया अभी, तो थोड़ा आर्टिफिशियल था। सो कृष्ण चलने लगे ऐसे, चलो अब बोलो दही ले लो, दही ले लो। कृष्ण बोलने लगे, दही ले लो, दही ले लो। और किसी एक गोपी ने पत्थर लिया और मटके पर मारा और कृष्ण बिगड़ गए। वैसे कृष्ण बड़े चंचल हैं, लेकिन आज बिचारा बन गए, भोली भोली सूरत हो गई। राज जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, अब तो मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो मुझे माफ़ कर दो। गोपियाँ कहती हैं, हम माफ़ करने वाली कौन है?
जब तक हमारी राधा रानी आपको माफ़ नहीं करेगी तब तक आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। कृष्ण को पकड़कर राधा रानी के पास लेकर जाते थे और राधा रानी के चरणों में कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर कहते थे कि राधे, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा, आज के बाद कभी मैं माखन की चोरी नहीं करूँगा। जब कृष्ण ये सेंटेंस कंप्लीट करना जा रहे थे तब तक राधा रानी कृष्ण के होठों पर हाथ रख देते थे, बस कृष्ण अब आगे मत बोलना, ये तो हम लीला कर रही हैं। कृष्ण, यदि आप हमारे घर पर चोरी नहीं करोगे तो हम कैसे जी पाएगी? कृष्ण, यदि आप हमें परेशान नहीं करोगे तो हम कैसे आनंद ले पाएगी? कृष्ण, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व एकमात्र आप ही के लिए तो है, और आप ऐसा कह रहे हो कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। नहीं कृष्ण, ऐसी गलती आप करते हो इसी के लिए तो हम लोग जी रही हैं, तो आज के बाद ऐसा मत कहना कि ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से कृष्ण सबके प्राण जीवन है और इन सब लीलाओं के कारण ही गोपियाँ जी रही हैं। इसलिए गोपियों के यहाँ पर एक सूत्र है, चलो सखी तहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज। क्या गोपियों को और कोई रास्ता नहीं था मथुरा? आज भी मथुरा जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गोपियाँ उसी रास्ते से जाती थी जहाँ कृष्ण मिलते थे। सो चलो सखी तहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, क्यों? क्योंकि माखन बेचंत हरि मिले एक पंथ दो काज। अपना माखन भी बिक जाएगा और हरि भी मिल जाएगा, एक पंथ दो काज। सो इस प्रकार से बरसाने की अद्भुत लीलाएं हैं। बरसाने में मोर कुटीर भी है, कृष्ण मोर बनकर नाचते हैं। एक बार क्या हुआ, राधा रानी रूठ गई, कृष्ण ने बहुत मनाया, बहुत प्रयास किया, नहीं मानी। फिर एक मोर आया, मोर पिकॉक, और मोर अपनी कड़ा करके नाचने लगा, तो राधा रानी थोड़ी स्माइल करने लगी। ओ, कृष्ण समझ गए इसको मोर का नृत्य अच्छा लगता है। सो मोर के साथ कृष्ण भी मोर बनकर नाचने लगे। डेढ़ घंटा बंदा नाचा है राधा को मनाने के लिए। पसीने से लथपथ, राधे राधे अपना डांस कैसा लगा? राधा ने कहा जमा नहीं। अरे यार मैं थक गया, मैं हाँफ रहा हूँ और तुम कहती हो अच्छा नहीं लगा। राधे अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों, क्या कमी रह गई? बोले अकेले अकेले नाचोगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, कृष्ण मोर बनकर नाचते हैं तो राधा मोरनी बनकर नाचे तब अच्छा लगेगा। तो राधा रानी मोरनी बनी, कृष्ण मोर बने और दोनों ने नृत्य किया। आज भी वो स्थान है मोर कुटीर, राधा और कृष्ण मोर बनकर, मारू मन मोर बनी तनखात करे। सो ये सब लीला है, ठीक है। अब आइए, आपने जो जिस प्रकार से आज परिक्रमा दर्शन किया, जैसे ही आप दर्शन करके नीचे उतरे, फिर आप एक ब्रिज क्रॉस किए, छोटा सा ब्रिज होगा बरसाने में ही, है ना, ब्रिज जो है वो जो पानी जाता है ना आगे जाता है, पीली पोखर, क्या नाम है, पीली पोखर, आज भी वो जल पीले रंग का है। एक बार राधा बरसाने से नंदगांव आई तो यशोदा राधा को देखकर बहुत खुश हो गई, बोले यही मेरी बहू बननी चाहिए। राधा को चूड़िया पहनाई, श्रृंगार कर कराया, राधा के हाथ पीले कर दिए, और एक दुल्हन की तरह राधा नंदगांव से बरसाना गई। जब बरसाना में प्रवेश करने गई तो राधा ने सोचा लोग मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे हाथ पीले हो गए तो शादी के समय होता है, क्या जवाब दूंगी, क्या दूंगी। तो लोक लज्जा के कारण बरसाने में प्रवेश करते समय एक कुंड है, उस कुंड में राधा ने अपने वो पीले हाथ को धो दिया,
और वो पीली पोखर हो गई, आज भी वो पीली पोखर स्थान बरसाने में है, साइड में रह जाता है, आप लोग ब्रिज से आगे आगे थोड़ा सा चलकर अंदर जाओगे तो होता है। फिर हम लोग सीधे आए प्रेम सरोवर, है ना, देखा प्रेम सरोवर की जय। यहाँ तो प्रेमी है, ये कोई ज्ञान की भूमि नहीं है, हरिद्वार जो है ना वो ज्ञान की भूमि है, बद्रीनाथ तपस्या की भूमि है, जगन्नाथपुरी भोजन की भूमि है, ये जो है प्रेम की भूमि है, ये प्रेम का राज्य है, ये प्रेम धाम है। सुप्रेम सरोवर क्या हुआ, कृष्ण थोड़े से बड़े हुए और गाय और बछड़े चराने जाते थे, किसी सखा ने कहा कन्हैया बरसाने में एक बहुत अच्छी गोपी रहती है, सुना है नाम उसका राधिका है, है? पहली बार कृष्ण राधा रानी को तो बचपन में जो देखा सो देखा, फिर तो कभी देखा नहीं जब जवान हो गई थी। अच्छा बरसाने में कोई अच्छी गोपी है, चलो इस आज तो वहाँ बछड़े चराने, इसको तो क्या था वो टन मार दिया वहाँ पर, आज वहाँ बछड़ों को लेकर जाएंगे। सहज कन्हैया बरसाने में आए सखाओं के साथ गाय बछड़े चराने, गाय बछड़े चर रहे थे, सखा भी खेल रहे थे, दूर कृष्ण ने देखा कि कुछ कन्या कुछ गोपियाँ खेल रही हैं, तो कृष्ण अपने सखाओं को छोड़कर उस गोपियों के पास आ गए, और गोपियाँ क्या खेल रही थी, आँख पर पट्टी बांधकर फिर ऐसे पकड़ना होता है उसको क्या कहते हैं, आँख मिचोली, इसने तो डेंजरस कहा, मैं तो डर गया। क्या कहा था, कानामाची भोभो, कानामाची भोभो। लाए बाबा लाए 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 बाबा की लाए बाबा, मराठी वाला हूँ की तू, आंध्री कोचंबी कोथमरी कोशुंबी ठीक है, लेकिन हिंदी बहुत अच्छा है, आंख मिचोली। सो वो खेलने में कितना आनंद आता था, नहीं है ना साला, आज वो सब आनंद ये तो बच्चों को है ही नहीं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। मैं भी खेला हूँ आँख चोर पुलिस, पकड़ा पकड़ी, खो खो, लगोरी, गिली डंडा, भम्बड़ा तो मैंने बहुत घुमाया, वो मैं पग से नीचे से करता था, हाँ हाथ जाली, हाथ जाली। एटलीस्ट जब हम ब्रज में आते हैं तो ये सब खेलना चाहिए, खेलना है बंद करें। सो तो ये सब खेल में बड़ा आनंद होता था, फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत हो जाती थी। मुझे आज भी याद है 25 पैसे की मैच होती थी, क्रिकेट खेलते थे, 25 पैसा दाव पर लगता था, उस 25 पैसे की मैच में हम लोग 5 घंटा फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग करते थे और 1000 का खून जला देते थे, 1000 रुपये का ब्लड जल जाता था 25 पैसा जीतने के लिए। ये होता है बचपन। सो श्रीमती राधा रानी कुमारी कन्या थी और सखियों के साथ खेल रही थी, आँख मिचोनी मिचोनी मिचोली आँख मिचोली भोभो।
सो तो अब क्या हुआ, उसमें क्या होता था, गेम का रूल ये होता था कि जिसको दाव देना है उसके आँख पर पट्टी बांधते थे और वो सो तक गिनती थी और बाकी की उनकी सखिया छुप जाती थी और फिर बिना देखे उसे पकड़ना होता था। जिसको पकड़ लिया फिर उसके आँख पर पट्टी बांधेंगे, वो खोजेंगे है? राधा रानी के ऊपर दाव आ गया, राधा की आँख के ऊपर पट्टी बांधी, सब गोपियाँ खेल रही थी और कृष्ण एक कुंज में जाकर छुप गए। राधा की आँखों पर पट्टी बांधी, राधा सो तक गिनी, सारी गोपियाँ अपने अपने उसमें चली गई। अब कृष्ण राधा को देख रहे हैं दूर से और राधा के आँख पर पट्टी हैं, ऐसे खोजते 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 जिस कुंज में झाड़ी में कृष्ण छुपे हुए थे, राधा उसी झाड़ी में कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ लिया था। एक्साइटमेंट होता है आँख से, वो निकालने कौन पकड़ में, जब ऐसे खुला आँख से पट्टी तो देखा कृष्ण। जीवन में प्रथम बार राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा। कन्हैया की जो हालत हुई है, राधा को बिल्कुल निकट से इतना सुंदर, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी क्या है, इतनी सुंदर सी मूर्ति जब कृष्ण ने देखी तो राधा को देखकर मूर्छित हो गए। अब एक कुंज में कोई लड़का है गिर गया, राधा है, राधा को डर लग गया, अरे लोग क्या सोचेंगे, मेरी सखिया क्या कहेगी। और वहाँ पर संध्या का समय हो गया, कहा राधे चलो अब घर पर जाना है, घर पर जाना है। तो राधा रानी, अब कृष्ण तो मूर्छित होकर गिर गए थे, राधा रानी उस कन्हैया को छोड़कर चली गई। ललिता विशाखा सब लोग घर पर चले गए, लेकिन राधा के मन में उस लड़के की याद आ रही है, अरे मैंने उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया, वो तो मूर्छित होकर गिर गया, मैं कितने निष्ठुर हूँ। राधा रानी ने भोजन करना बंद कर लिया, एक दिन दो दिन तीन दिन भोजन ही नहीं किया और मन में वो ग्लानी रह गई, अफसोस रह गया। तब ललिता विशाखा ने एकांत में राधा को कहा कि राधे प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों भोजन नहीं खा रही। तब राधा रानी ने सारी बात बताई कि सखी उस दिन कुंज में एक बहुत सुंदर लड़का था और लोक लज्जा के कारण मैं बोल नहीं पाई, लेकिन बेचारा मूर्छित गिर गया, बस मुझे उस लड़के को एक बार देखना है, मुझे एक बार उसका दर्शन करा दो। ललिता विशाखा ने कहा कोई बात नहीं राधे, तुम चिंता मत करो, हम तुमको मिला देगी। ललिता विशाखा नंदगांव में यहाँ पर आई और यशोदा को कहा कि यशोदा हमारे गांव में एक डांस टीचर आया है, तुम डांस टीचर ने जोया से ये थोड़ा आ टाइप ना जोए एक डांस टीचर आया है तो अपने लड़के को केवल गाय बकरे चराना ही सिखाओगी कि और कोई कुछ कला नृत्य कुछ सिखाना चाहते, अब कौन मानी चाहिए, आजकल की मायू जितने टाइप के क्लास होते हैं सब बच्चों को करा देती हैं, मेरा लड़का घोड़ा है और रेस में सबसे आगे होना चाहिए। सो कहा तो हम कृष्ण को लेकर जाती हैं थोड़ा डांस वांस सिखाने के लिए। ललिता विशाखा नंदगांव से राधा को बरसाने से, प्रेम सरोवर बीच में है आपने देखा ना, बरसाने से थोड़ा बाहर उस स्थान पर राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन, बचपन के बाद प्रथम मिलन हुआ और प्रथम बार राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को देखा। उस आध्यात्मिक जगत के प्रिया प्रियतम अनंत अनंत वर्षों के बाद पहली बार जब आमने सामने आए तो एक दूसरे को देखकर रोने लगे, वह सुख के अश्रु की धारा बहने लगी। राधा की आंखों से आंसू, कृष्ण की आंखों से आंसू और राधा और कृष्ण के प्रेम के इतने अश्रु निकले कि पूरा सरोवर बन गया और नाम हुआ प्रेम सरोवर। श्री प्रेम सरोवर की। सो राधा और कृष्ण के प्रेम अश्रु से बना हुआ ये सरोवर है, प्रेम सरोवर, जिसका दर्शन आचमन हम लोगों ने किया। ठीक है, प्रेम सरोवर के बाद हम सीधे आए चरण पहाड़ी जाकर आए।
हाँ, तो जो बाकी हो जी चले जाइएगा। कुछ लोग चरण पहाड़ी होकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह पत्थर में है। सूरदास जी लिखते हैं, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। ब्रह्मा वेद पढ़ना भूल गए, ब्रह्मचारी वेद पढ़ना भूल। शिव समाधि टूट गई, शिव जी की समाधि टूट गई। नदियों में खलखल बहने वाला जल पर्वत के समान स्तब्ध हो गया और पर्वत पत्थर पिघलने लगे। कृष्ण जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया और कृष्ण के चरणों की छाप उस पत्थर में पड़ गई, जो आज भी है चरण पहाड़ी। ब्रज में बहुत सारी चरण पहाड़ी हैं जहाँ कृष्ण के चरणों का चिन्ह है। ठीक है, तो उस चरण पहाड़ी का हम सब ने दर्शन किया और फिर हम आए वृंदाकुंड। ये जो वृंदाकुंड है, ये वृंदा देवी का स्थान है। तुलसी देवी ही वृंदा देवी है, वृंदा देवी ही तुलसी देवी है। नमो नम तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण यही अभिलाषी। राधा और कृष्ण की सेवा तुलसी महारानी वृंदा देवी से हमें प्राप्त हो सकती है। ज़्यादा क्या कहना, भगवान तुलसी से इतना प्रेम करते हैं कि 56 भोग या 56,000 भोग हो परंतु उसमें तुलसी पत्र न हो तो प्रभु उसे ग्रहण नहीं करते। कितना भी अच्छा मनुष्य या डिवोटी क्यों न हो, गले में तुलसी की कंठी नहीं तो भगवान उस भक्त को भी ग्रहण नहीं करते हैं। सो तुलसी प्रभु को प्रिय है। और तुलसी महारानी का रोल क्या है, वृंदा देवी का रोल क्या है? श्री वृंदा देवी राधा और कृष्ण की लीला का आयोजन करती हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है, सो वृंदा देवी। अब हम आगे एक स्थान पर जाएंगे, नंदगांव और कोकिलावन भी जाएंगे। लो ये बोनस में है कोकिलावन। सो नंदगांव है नंद भवन, नंद बाबा का घर है। अभी उजाला है तो यहाँ क्या क्या दर्शन है वो आपको वहाँ पंडित जी पंडा जी ही बता देंगे। बहुत सारे दर्शन, पावन सरोवर है। कृष्ण गैया चराने के बाद पावन सरोवर में सारे गैया को जल पिलाते, फिर गौशाला में लेकर जाते हैं। फिर अक्रूर जी जिस रास्ते से आए थे उसका भी दर्शन है, हाउ बिलाऊ का दर्शन है। सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, ये सारे स्थान वहाँ पर है। और फिर कोकिलावन जहाँ शनि भगवान विराजते हैं। शनि जानते ना, शनि कौन है? कृष्ण के साले हैं, साला कृष्ण का। और आज शनिवार है बस। सो कृष्ण के साले का एक, कृष्ण के साला है ना शनि, शनि और यमुना भाई बहन है। सूर्य की दो पत्नी थी, छाया और संज्ञा, और उसे ट्विन्स हुए यमराज और यमुना, और फिर छाया से हुए शनि देवता। सो भाई बहन है शनि और यमुना। सो फिर शनि देवता का एक रूल है कि मेरे जीजा जी का कोई नाम लेगा जीज का, शनि के जीजा जी कौन है? कृष्ण। तो शनि ने कहा है कि मेरे जीजा जी को कोई नाम लेगा तो फिर मैं उस पर 7.5 नहीं लगाऊंगा, मैं उसके सामने बुरी दृष्टि नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जीजा जी का नाम नहीं लिया तोड़ दूंगा उसे। तो शनि कितना भी भारी हो, कोकिलावन जहाँ पर अनंत शक्ति प्रभु लेकर जाएंगे, शनि भगवान को हम दर्शन करते हैं तो शनि का जो प्रभाव है वो उतर जाता है। सो इस प्रकार से शनि के विषय में हम अक्सर कहते हैं कि कुछ लोगों का आना मंगल, कुछ का जाना मंगल। लक्ष्मी जी आए वो अच्छा है, शनि जाए वो अच्छा है। सो ये बात है। तो इस प्रकार से आज के ये दर्शन है। आप लोग यात्रा में आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। यात्रा में कुछ सुविधा कुछ दुविधा तो रहती हैं, यदि कोई कष्ट हो दुविधा हुई हो तो आप
क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि सब बच्चे और अच्छे से इसका आयोजन कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, हे वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सी रात वृंदा वन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, हे वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, कुंजनी कुंज पुंज सुख बरसत, सुख बरसत, जनि कुंज पुंज सुख बरसत, हर खत सबके गात वृंदा वन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सी रात वृंदा वन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, हे वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, राधा मोहन के निज मंदिर, 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 महाप्रलय नहीं जा, महाप्रलय नहीं जा, हे महाप्रलय नहीं जा, महाप्रलय नहीं जा, ब्रह्म ते उपजो नाय खंडित, 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 कबहू नहीं न सात वृंदा वन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे रात वृंदा वन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, हे वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन, श्री वृंदावन, फन पर रवितर नहीं विराट महे, फन पर रवितर न
नहीं विराट महे मन परवित रही विराट रे नहीं संध्या नहीं प्राण नहीं संध्या नहीं प्राण नहीं संध्या नहीं प्राण नहीं संध्या नहीं प्राण माया काल रहित नित नूतन माया काल रहित रित नूतन माया काल रहित नित नूतन माया काल रहित रित नूतन सदा फूल फल पात वृंदा वन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो 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 विरहत सदा सुहा विरहत सदा सुहा विरहत सदा सुहा विरहत सदा सुहा व्यास विलास रास यद्भुत गति व्यास विलास याद यद्भुत गति व्यास विलास रास यद्भुत गति व्यास निगमय गोचर बात वृंदा वन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत रात वृंदा वन श्री वृंदावन 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल 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 गोपाल
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभु महावन की जय रूपाद की जय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम